इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए जो ये ऊपर आपके पॉइंट्स हैं यहां से हमें मिल जाएगा कि लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स फाइव माइनस फोर एंड प्लस सिक्स. साइन चेंज करके आपने इसको लेना है. सो दिस इज फाइव माइनस फोर एंड प्लस सिक्स. और इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो हमें क्या गिवन है, थ्री सेवन एंड टू. तो डायरेक्शन रेशियोज थ्री सेवन एंड टू. सो द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज of the form r is equal to a plus lambda times b. So r is equal to a, यानी कि जिस पॉइंट से वो पास कर रही है उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है यहाँ पे आपको. तो i cap, j cap, k cap साथ में आ जाएगा and lambda times b again वेक्टर फॉर्म में आपको इसको लिखना है. तो इसके साथ ही आपका आई कैप, जे कैप एंड के कैप आ जाएगा. सो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो आपने बस ये ध्यान रखना है जो पॉइंट आपके यहाँ होंगे ऊपर वो एक्स वन वाई वन जेड वन ले रहे हैं. साइन चेंज करके माइनस फाइव था प्लस फाइव लिया, प्लस फोर था माइनस फोर लिया, माइनस सिक्स था प्लस सिक्स लिया. वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो आई कैप, जे कैप, के कैप लग गया साथ में. प्लस लैम्डा टाइम्स पैरेलल जो लाइन या वेक्टर था उसके आपको डायरेक्शन रेशियो 3 7 2 गिवन है. तो प्लस लैम्डा टाइम्स 3 i प्लस 7 j प्लस 2 k कैप. सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो ये कार्टेशियन फॉर्म से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया वेक्टर फॉर्म में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन्स दैट पासिस थ्रू द ओरिजिन एंड फाइव माइनस टू कॉमा थ्री. पासिस थ्रू द ओरिजिन मीन्स 0 0 0 एंड सेकेंड पॉइंट हमें गिवन है फाइव माइनस टू एंड थ्री. अब देखो ये दो पॉइंट मुझे गिवन है. तो ये मेरा हो गया एक्स वन वाई वन जेड वन, ये हो गया मेरा एक्स टू वाई टू जेड टू. मुझे इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी लिखनी है और वेक्टर फॉर्म भी लिखनी है. वेक्टर इक्वेशन के लिए जो मेरा फॉर्मूला है दैट इज आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए. जब कल किया था हमने ये फॉर्मूला, वेन एवर अ लाइन इज पासिंग थ्रू द टू पॉइंट्स, हमें लाइन के दो पॉइंट्स गिवन है जिनसे लाइन पास कर रही है एंड वी आर टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो वेक्टर फॉर्म में दिस इज गिवन बाय आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए एंड कार्टेशियन फॉर्म में दिस इज गिवन बाय एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन. अब ये दोनों हमारे पास है, ये एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू यहाँ पे पुट करेंगे वी विल गेट द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन. और एक को हम जो है जब आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर ए हमारा बन जाएगा जीरो आई कैप, जीरो जे कैप, जीरो के कैप. और वेक्टर बी हमारा बन जाएगा फाइव आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप. अब हमने वेक्टर फॉर्म लिखनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कार्टेशियन लिखनी है तो एक्स वन वाई वन जेड वन वाली फॉर्म यूज करेंगे. सो वेक्टर फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर इज इक्वल टू ए यानी कि जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप. आप उसको लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे आप सीधा लैम्डा टाइम्स बी यानी कि फाइव आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप लिख सकते हो, क्योंकि जब आप इसमें से जीरो वेक्टर सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट द सेम थिंग. तो हमारा यहाँ पे जो
इसकी कार्टीजियन वेक्टर फॉर्म जो है वो हमारी आ गई r इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेयर जो आपका ये लेमडा है दैट कैन बी एनी रियल नंबर, तो लेमडा बिलोंग्स टू r. अब कार्टेशियन फॉर्म हमने लिखनी है, तो कार्टेशियन फॉर्म में सीधा आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, x1 y1 z1 मेरे पास 0 है, x2 y2 z2 5 -2 and 3 है, तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी x -0 upon 5 -0, दिस इज इक्वल टू y -0 upon -2 -0 इक्वल टू z -0 upon 3 -0, यानी कि दिस इज x/5 इक्वल टू y/-2 इक्वल टू z/3. एक चीज का आपने ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे ये मेरा अपॉन में -2 आ रहा है, ये माइनस का साइन हम ऊपर नहीं लिखेंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे, क्योंकि ये उसके जो है डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला साइन हम चेंज नहीं करते. जो हमारी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन होती है उसमें हमारा एक्स का कॉफिशियंट जो होता है वो हमें हमेशा +1 रखना होता है, ये ध्यान रखना. एक्स वाई और जेड के कॉफिशियंट विल बी +1. तो आगे आपके क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें हम ये +1 को चेंज करेंगे, और मतलब नेगेटिव या साथ में कोई कॉफिशियंट होगा तो हम उसको +1 में चेंज करेंगे. सो x -x1 y -y1 z -z1, तो ये बन गया x -0 y -0 z -0 अपॉन में x2 -x1 y2 -y1 z2 -z1. तो फॉर्म आपकी जो है एक्स वाई और जेड की फॉर्म में बननी चाहिए, इनके आगे कोई ना तो कॉफिशियंट होना चाहिए यानी कि नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, ना ही इनका जो साइन है वो नेगेटिव होना चाहिए. सो दिस इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म. यहां तक कोई डाउट तो यू कैन आस्क, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 9 यू विल डू योर सेल्फ नाउ. ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर कैमराज एंड स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन. For those who are not having the book with them, I am writing the statement on the board. Same question hai, you are to find the vector and Cartesian equation of the line that passes through the points 3 -2 -5. Again, two points aapko given hai, formula aapke board pe likhe hue hain, so you are to go for that. So first point hai hamara 3 -2 and -5. And the second point is 3 -2 and 6. अभी करो इसको. Turn on your cameras. You can focus your cameras on your notebook so that I can see that you are doing. And tomorrow onwards, बच्चे, your class will start at 8:45. 15 मिनट्स में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, बिकॉज अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू कंप्लीट द सिलेबस इन टाइम, तो हमारा फिर रिवीजन का टाइम कम हो जाएगा. सो डेली वी विल गिव 15 मिनट्स एक्स्ट्रा, तो उसमें फिर हमारा इजीली कवर अप हो जाएगा. नन ऑफ यू हैव टर्न ऑन द कैमरा. आदित्य, गुंजोत, काम्या, वंशिका, वंशनूर, अंशिता, भूमिका, ध्रुव, हर प्रणाम, बी क्विक बच्चे, कृष, क्षितिज, मानविया, सिया, हरियप, वंशनूर, आई कैन सी योर नोटबुक, गुड. आदित्य, गुंजोत, बच्चे मुझे पता तो लगे ना कि आप साथ में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे. एंड पेपर्स जो हैं वो यू नो दैट विल बी ऑफलाइन ओनली, तो किसी भी तरीके से आपने अपना जो रूटीन बना था उसको छोड़ना नहीं है. मान लिया, जस्ट डू मी अ फेवर बच्चे,